गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक वचन में से बहुवचन वाले सीखे कि पीछे कौन से पीछे शब्द के अंत में जो काना या रस्वाई दीर्घई आती है उसका बहुवचन करते तो किस प्रकार उसमें चेंजेस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी वही है, वचन परिवर्तन। हमने अगले वीडियो में आधे थोड़ा सा किया था वचन परिवर्तन। हम लोगों ने दीर्घ ई वाले पीछे दीर्घ ई होती है तो उसका हम बहुवचन बनाते हैं तो किस प्रकार रस्व ई हो जाती है और पीछे या लगता है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द का जब हम बहुवचन करते हैं तब बड़े ई की मात्रा को छोड़कर छोटे ई की मात्रा की जाती है और पीछे या जोड़ दिया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला, पुड़िया। पीछे देखो सिर्फ चेंजेस से ऊपर चंद्र बिंदु, चूहिया, बुढ़िया, चिड़िया, डिबिया, गुड़िया। यानी कि जहाँ पे पीछे या होता है तो उसके या की जगह आप लोगों को चंद्र बिंदु लगा के बहुवचन किए जाते है। तो अब देखते हैं नीचे, इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। समझ में आए, स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे या होता है तो या की जगह आप लोगों को या छोड़कर उसको आप लोगों को चंद्र बिंदु करते हो तो इसका बहुवचन इस प्रकार से बनाया जाता है। समझ में आया? ओके, अब हम देखते हैं उकारांत शब्द। वस्तु ए, धेनु ए, ऋतु ए। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई जोड़ने से बहुवचन बनता है, यानी कि उकारांत वाले ऊ, यानी नीचे जो ये रस्व ऊ वाले हैं उसको उकारांत बोलते। तो ऊ वाले जो शब्द होते हैं लास्ट में तो उसके पीछे वो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो उसके पीछे ई लगा के उसका बहुवचन बनाया जाता है। अब हम देखते हैं बड़े ऊ, उकारांत शब्द। अब जो यहाँ पे दीर्घ ऊ है नीचे इस प्रकार से आप लोगों को मात्रा दी गई है तो उसको बड़े ऊ की मात्रा है, ये तो ये उकारांत शब्द है। तो वधु ए, और चेंजेस क्या होता है, यहाँ पे दीर्घ ई होता है तो यहाँ पे ह्रस्व ऊ हो जाता है और पीछे ए आता है। जू ए, इतनी थोड़ी सी बात आप लोगों को चेंजेस करनी है और ध्यान से ये वाला आप लोगों को एकदम से समझना है। अगर आप लोग यहाँ पे दीर्घ ऊ ही रहने दोगे और ई लगाओगे तो वो गलत है, लेकिन दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ किया जाता है और पीछे ई लगाया जाता है, यानी कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का, बड़े ऊ का छोटा ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। यानी कि यहाँ पे ये बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, तो बड़े ऊ को छोड़कर छोटा ऊ करते हैं और पीछे ई लगा के बहुवचन बनाए जाते है उकारांत शब्दों का। समझ में आया? ओके, अब हम देखते हैं औकारांत शब्द। औ यानी औ वाली मात्रा वाले देखते हैं, तो यहाँ पे गौ, तो गौ ए। औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है। इसमें भी गऊ में क्या होता है, वो भी स्त्रीलिंग शब्दों में गऊ होता है, पीछे औ होता है तो पीछे ए लगाया जाता है। अब देखते हैं प्रजा, प्रजाजन। पाठक, पाठक गण। लेखक, लेखक वृंद। मजदूर, मजदूर वर्ग। गुरु, गुरुजन। श्रोता, श्रोतागण। अध्यापक, अध्यापक वृंद। शिक्षक, शिक्षक वर्ग। छात्र, छात्र गण। कवि, कवि गण। यानी कि अभी हम लोगों ने जो बहुवचन बनाया वो क्या है, एक दल, वर्ग, पूरा जो समूह होता है, इस प्रकार के ये सभी शब्द है। तो इसका चेंज किस प्रकार होता है कि एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग,
वृंद जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द के जिसको हम लोगों को समूह में या दल में या इस प्रकार से हमें चेंजेस करने होते हैं, यानी एक में से ज्यादा करने होते हैं समूह में, तो उसके लिए कौन से पीछे शब्दों का यूज होता है, गण वर्ग वृंद जन ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, तो यहाँ पे देखो प्रजा है तो पीछे जन लगाया गया है, पाठक तो पाठक के पीछे गण लगाया गया है, लेखक तो लेखक के पीछे वृंद लगाया गया है, मजदूर तो मजदूर वर्ग वर्ग लगाया गया है पीछे। इस प्रकार से इसका बहुवचन इस प्रकार से समूह का बोध कराता है। कोई प्रॉपर नाम या कुछ नहीं है, लेकिन ये समूह है तो ये समूह का जब हम बहुवचन करते तो इस प्रकार से होते है, पीछे जन गण वृंद वर्ग ऐसे शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो आप लोगों को वचन परिवर्तन समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने आज जितने समझाए यहाँ से पुड़िया ये वाले शब्द, उस उकारांत उकारांत अवकारांत शब्द और वर्ग वाले इतने शब्द आप लोगों को नोटबुक में लिखने है, इसके बहुवचन और रीड भी करना है। अब हम देखते हैं नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन। उपर्युक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए, यानी कि अभी जो आगे हम लोगों ने पढ़े कि वचन परिवर्तन, तो उसके मुताबिक आप लोगों को यहाँ पे ये लिखने है। तो फर्स्ट है यहाँ पे देखना नदी, तो नदी है वो दीर्घ ई है, तो जब नदी है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का हम बहुवचन करते हैं तब दीर्घ ई का क्या हो जाता है, ह्रस्व ई, और पीछे क्या आ जाएगा या, तो नदी तो क्या आएगा न दी या, पीछे दीर्घ ई था और या इसको ह्रस्व ई किया और पीछे या लगाया। अब देखते हैं किताब, तो किताब है वो मैंने पहले सिखाया आपको कि पीछे कुछ नहीं होता है तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या चेंजेस होगा, पीछे ऊपर मात्रा आ जाएगी किताबे और ऊपर डॉट, किताब किताबे दरवाजे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दरवाजे है वो बहुवचन है तो आप लोगों को बहुवचन है तो ऑपोजिट में करना है एक वचन, तो उसका एक वचन क्या होता है दरवाजा। कला तो कला का क्या होगा कला ए, कौवा कौए, धातुए, यहाँ पे ये भी बहुवचन है तो उसका एक वचन क्या होगा धातु। सड़के तो सड़के भी बहुवचन है उसका एक वचन क्या होगा सड़क। उसके बाद कुत्ता, तो यहाँ पे पीछे काना है तो क्या होगा उसके काना निकल के ऊपर सॉरी मात्रा आ जाएंगी। ओके इस प्रकार नदी नदियां, किताब किताबे, दरवाजे दरवाजा, कला कलाएं, कौवा कौए, धातुए धातु, सड़के सड़क, कुत्ता कुत्ते। तो अब हमारा यहाँ पे वचन परिवर्तन पूरा हो गया, ये भी आप लोगों को नोटबुक में लिखने हैं। और बाद में यहाँ पे एक बार हम लोग याद कर लेते हैं उपसर्ग, मैंने आप लोगों को ये सिखाया उपसर्ग यानी कि ऐसे शब्द की उसको अर्थ शब्द से पहले जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे गुण है तो उसके आगे स लगाया तो सगुण, तो उसको आगे स लगाया वो क्या है उपसर्ग शब्द है, याद आ गया। ओके तो ये वाला भी आप लोगों को याद है, वचन परिवर्तन भी हमारा हो गया ग्रामर में, उसके बाद लिंग परिवर्तन भी कंप्लीट हो गया।